नमस्कार, एफटीलाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। अयोध्या सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील राम नगरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार, होटल व धर्मशालाओं और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और एटीएस दस्ता पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रामनगरी में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सीआरपीएफ और एटीएस दस्ता को सक्रिय रखा गया है। सीआरपीएफ के जवान रामनगरी के सभी प्रमुख स्थलों पर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे में रामनगरी की सुरक्षा के कड़े प्रबंध पहले से ही किए गए हैं। इस बीच शहर में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में पूरी तरह हड़कंप मच गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी बड़ी सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी देने वाला युवक गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है। वहीं सीओ अयोध्या आर के चतुर्वेदी ने बताया कि अयोध्या पहले से ही सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नगर है। यहां समय समय पर शहर में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी को लेकर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इस तरह के इनपुट आते रहते हैं। जो इनपुट आए हैं उनके विषय में जाँच की जा रही है। बाकी की रूटीन चेकिंग और अधिक सघनता से की जा रही है। वैसे भी हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। येलो जोन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब आतंकवादी, जिससे आप लोग? ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट्स आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है, उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। एफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट।